मैंने आज तक जिंदगी भर मेरे बच्चे लोगों के लिए बहुत कुछ किया। अभी ये टाइम बोलते हैं वो लोग कि अभी हमको आपकी जरूरत नहीं है, और यूज एंड थ्रो हो गई मैं। लेकिन इधर आके मैं बहुत खुश हूँ। जो प्यार मेरे बच्चे लोगों से नहीं मिला, वो प्यार मुझे यहाँ मिला। जब तक मम्मी पापा इंडिपेंडेंटली हर एक चीज करते हैं ना, तब तक वो तो हर एक किसी को चाहिए। लेकिन जैसे जैसे वो डिपेंडेबल हो जाते हैं, वैसे वैसे उनको फिर यहाँ पे लाके अबैंडन किया जाता है। मेरे बचपन में मुझे माँ बाप नहीं थे, तो मैं उसका वैल्यूएशन जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि माँ बाप की कीमत क्या होती है लाइफ में। अब यहाँ पे ना टोटल 86 पेरेंट्स हैं। जब भी कोई मम्मी पापा अपने यहाँ आते हैं, वो टोटली वीक रहते हैं। बहुत महीनों से या सालों से उनको बराबर खाना नहीं मिलता है। फिर उनके लिए डाइट फूड, 5 टाइम का जो मील है वो रेगुलर यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। तो हम लोग जब डॉक्टर अरेंज करते हैं ना, तो डॉक्टर को हर एक बेड के पास जाने को बोलते हैं, और उनको ऐसे लगे कि कोई मेरे पास आया है, मुझे देखने के लिए आया है। फिर उनका क्लीनिंग है, फिजियोथेरेपी, हर एक चीज़ उनको बेड पर ही देना पड़ता है। अब इनकी जो एज है ना, ये बच्चों की तरह हो गई है। इनको बहुत सारा प्यार दो, केयर दो, बस इनको कुछ नहीं चाहिए। मुझे बहुत क्यूरियोसिटी थी कि मम्मा कैसे हो गई, पापा कैसे हो गए। अब इतने सारे पेरेंट्स आ गए ना, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे सब ब्लेस फील हो रहा है। अगर आप लोग सब मिलके मुझे हेल्प मिलती है, तो मैं इन सभी के लिए अच्छा फूड और अच्छा शेल्टर दे पाऊँगी। मैं आप लोगों से अपील करती हूँ, प्लीज़ डोनेट कीजिए, ताकि ये लोग लास्ट एंड में भी काफ़ी सुकून से जिए।